आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ। बांदा लोक जनजागरण अभियान के तहत जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव। ये प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित हुआ था। आज आखिरी दिन अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जहां समाजवादी पार्टी का विकास गिनाया, वहीं अन्ना जानवरों को लेकर सरकार पर हमला बोला। श्री यादव ने कहा कि हमने सदन में मुख्यमंत्री से नौजवानों के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने जनसंख्या का जवाब दिया। मुख्यमंत्री बुंदेलखंडवासियों को अच्छे एक्सप्रेस वे नहीं दे सके। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को संजीदगी बरतने की बात कही। वेद प्रकाश शर्मा, विरचि। म्यूजियम का नाम बदलकर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं। और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं। अगर दो छत का घर इलीगल हो सकता है केवल एक फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी। तब नेहरू म्यूजियम का ये समाजवादियों का नहीं गिरा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों का भी गिराओ। गले लगा लिया, उससे गले मिल गए ये लोग, बीजेपी के लोग। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये दुर्भाग्य।